लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। कोरोना उपचार इंतजामों के साथ ही नई मुंबई महानगर पालिका कोरोना वैक्सीनेशन पर ज्यादा जोर दे रही है। आज तक नई मुंबई में 1.5 लाख लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर द्वारा जारी डेटा रिपोर्ट के अनुसार 14 अप्रैल तक 158,270 नागरिकों को कोविड का पहला टीका लग चुका है, जबकि 24,475 नागरिकों को दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। इनमें से 25,633 फ्रंटलाइन वर्कर यानी आरोग्य कर्मी डॉक्टर हैं, जबकि 19,331 पुलिसकर्मी, स्वच्छता और कोरोना योद्धा शामिल हैं। 45 से 60 साल के 50,557 लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है। नई मुंबई में 28 हॉस्पिटलों और नागरी आरोग्य केंद्रों पर वैक्सीनेशन चल रहा है, वहीं 21 प्राइवेट अस्पतालों में 49 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। मनपा के अनुसार नई मुंबई में प्रतिदिन 7,000 से अधिक लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।